हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू करंट पीडिया। मैं हूं आपका दोस्त रजत पांडे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाते रहिए। तो हम लोग नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे थे, इंपॉर्टेंट अफेयर्स, और इसे कंटिन्यू करेंगे इस सेक्शन में। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। द माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च द K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क फॉर द इंडियन स्कूल्स। इंडियन स्कूल्स के लिए शुरू किया है K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क इसने माइक्रोसॉफ्ट में। द भोंसले मूवी ऑफ इंडिया गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर इन द बार्सिलोना एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो बार्सिलोना में एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने जीता है, भोंसले मूवी ने क्या जीता है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इंडियन बॉडी बिल्डर फ्रॉम केरला चित्रेश नटेशन नटसन हैज़ वॉन द मिस्टर यूनिवर्स टाइटल फॉर 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन मॉन्स्टर। ये पहले एथलीट हैं, ये पहले बॉडी बिल्डर हैं जिन्हें मिस्टर यूनिवर्स टाइटल मिला है। इंडिया के हैं चित्रेश नटसन और इन्हें इंडियन मॉन्स्टर भी कहा जाता है। आर्सेन वेंगर हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट बाय फीफा। फीफा ने इन्हें चीफ डिक्लेयर किया है, किसका, ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट का, किसे, आर्सेन वेंगर को। शिवांगी सिंह फ्रॉम बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की पहली विमेन पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह बनी है। कहाँ से हैं, बिहार से। तो ये तीन चार इन्फॉर्मेशन हर एक लाइन में है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इसमें आपको करीब 150 पीसेस दिए हैं इन्फॉर्मेशन के, तो हर एक में करीब तीन से चार इन्फॉर्मेशन है। इट अमाउंट्स टू अराउंड 500 to 600 इन्फॉर्मेशन ये पूरा नवंबर मंथ का। फिर इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल साइंस टेक इकोनॉमी वो सब अलग से दिया है। तो ऑलमोस्ट इसके बाद कुछ भी बचता नहीं है किसी भी मंथली करंट अफेयर्स में। अरुण भूमि इज़ द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच वॉज लॉन्च्ड बाय द अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू। पेमा खांडू ने इसे लॉन्च किया है। अरुण भूमि पहला हिंदी न्यूज़पेपर है अरुणाचल प्रदेश का। फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द कोलकाताज ईडन गार्डन स्टेडियम। इट वॉज प्लेड विद द पिंक बॉल। पिंक बॉल टेस्ट था, पहला डे नाइट टेस्ट था। और सबसे पहला जो खेला गया था वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और इंडिया बांग्लादेश ने खेला। इंडिया ने टेस्ट मैच जीत लिया और 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले इंडियन पेसर बने ईशांत शर्मा इस टेस्ट मैच में। अगला है द सिख म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर विल कम अप इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सिख म्यूजियम बनेगा, रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। इस तरह क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सिख म्यूजियम है। अगर पंजाब का कोई ऑप्शन दे दिया गया आपको नहीं पता है तो आप गेस करते हुए उसे कर सकते हैं कि भाई सिख म्यूजियम है तो हो सकता है पंजाब में ही बने। लेकिन तो इस सारे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा, डेड श्योर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको अटेम्प्ट मत करिएगा। अगला है वशिष्ठ नारायण सिंह अ नोटेड मैथमेटिशियन पास्ड अवे रिसेंटली। बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे ये वशिष्ठ नारायण सिंह और इनका भी निधन हो गया। विराट कोहली हैज़ बीन चोजन फॉर द पीटा पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019। विराट कोहली को पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 डिक्लेयर किया गया है और इनकी जो वाइफ है अनुष्का शर्मा वो भी पीटा के लिए काम करती हैं और बहुत ही बड़ी एनवायरमेंटल अरे एनिमल एक्टिविस्ट हैं। रोर ऑफ द सी इज़ द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर। इंडिया एंड कतर के बीच में रोर ऑफ द सी नेवल एक्सरसाइज इसका नाम है। इंडिया हैज़ गॉट 78 रैंक इन द ग्लोबल ब्रेवरी रिस्क इंडेक्स। सोमालिया गॉट फर्स्ट रैंक वाइल न्यूजीलैंड केम लास्ट। तो सोमालिया फर्स्ट आया यानी कि ब्राइबरी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इंडिया को 78 रैंक मिला है और न्यूजीलैंड में ब्राइबरी सबसे कम है इसलिए इसे सबसे आखिरी पोजीशन मिली है। लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन हु वॉन द सारलोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 इन जर्मनी। जर्मनी में जीता, क्या जीता, सारलोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 किसने जीता, लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन किससे रिलेटेड हैं, बैडमिंटन से। द रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एस ए बोबडे इज़ द 47th इन द नंबर एंड वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रंजन गोगोई को इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर एस ए बोबडे ने और अरविंद बोबडे जी ने 47th हैं नंबर में और इससे पहले ये चीफ जस्टिस थे कहाँ के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। द लावी इंटरनेशनल फेयर फॉर 2019 वॉज सेलिब्रेटेड इन शिमला। शिमला में इसे सेलिब्रेट किया गया, क्या है, लावी इंटरनेशनल फेयर 2019। द टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फर्ड विद द गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 इन नेदरलैंड्स। तो गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 किसे दिया गया, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया को। गुरुग्राम हैज़ होस्टेड द एशिया पैसिफिक गोल्ड समिट। तो गुरुग्राम को
गुरुग्राम ने होस्ट किया किसे? एशिया पैसिफिक गोल्फ समिट। अगला है, राफेल ग्रासी ऑफ अर्जेंटीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कौन है? राफेल ग्रासी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। नेक्स्ट, ऑपरेशन मा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर टू ब्रिंग बैक द यूथ इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। तो ऑपरेशन मा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। कहाँ पर लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए लॉन्च किया है? टू ब्रिंग बैक द यूथ इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। उद्धव ठाकरे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज फॉर द थर्ड टाइम अंडर आर्टिकल 356। 356 अंडर आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था तीसरी बार, तो ये अपने आप में एक फैक्ट है। और चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे। पूजा गहलोत इज़ द इंडियन रेसलर ऑफ 53 केजी कैटेगरी। पूजा गहलोत हैं, कौन है? इंडियन रेसलर हैं। किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। किस कैटेगरी में? 53 केजी कैटेगरी में। एंड व्हाट शी हैज़ डन? शी हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। फोर न्यू मेडिकल पार्क्स विल बी सेटअप इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। इन चार जगहों पे चार नए मेडिकल पार्क्स सेटअप किए जाएंगे। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019 हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन डेविड एटनबरो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द फेमस एक्टर रजनीकांत वॉज कन्फर्ड विद द गोल्डन जुबली अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 हेल्ड इन पणजी गोवा। द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन द फेस्टिवल वॉज गिवन टू द फ्रेंच फिल्म पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला और गोल्डन जुबली अवार्ड किसे दिया गया? फेमस एक्टर रजनीकांत को। द डॉक्यूमेंट्री रियल कश्मीर हैज़ वॉन द बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड 2019 इन द सिंगल डॉक्यूमेंट कैटेगरी। द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू द मलयाली राइटर अक्कीतम अच्युतन नंबूर्ति। तो मलयालम में लिखते हैं और इनका नाम क्या? अक्कीतम अच्युतन नंबूर्ति। इनको क्या मिला है? 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द जंगल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड द त्राशीशियम अपताई। इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ पिट वाइपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, कहाँ पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। और किसका स्पीशीज़ है स्नेक का? पिट वाइपर का। द ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 हैज़ बीन गिवन टू रवि प्रकाश। रवि प्रकाश को ब्रिक्स का यंग इनोवेटर प्राइज 2019 का अवार्ड दिया गया है। तो ये नवंबर मंथ का हम लोगों ने करंट अफेयर्स पूरा कर लिया है। अब इसके अलावा ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचता है। अगर इसके बाद भी कुछ पूछ लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो उसे आप कह सकते हैं कि भाई ये तो मतलब हद ही है। उसके बाद तो आप करंट अफेयर्स तो बनाने को कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब पूछ सकते हैं जैसे इसी में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया जो मलयाली राइटर को, इनका होम टाउन क्या है? ये भी एक करंट अफेयर्स है, इससे रिलेटेड है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 99% लोग नहीं जवाब दे पाएंगे इसका। जो अगर कोई है जिसने ये इनकी कोई बुक पढ़ी है, इनके बारे में कुछ पढ़ा है, तो वही जान सकता है। तो अदरवाइज़ ऐसा पूछा नहीं जाता है। और उसके अलावा जो पूछे जाने लायक चीज़ हैं वो सब मैंने इंक्लूड कर दी है। तो ये था इस सेक्शन में, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। अब हम लोग अगले सेक्शन में कुछ और देखेंगे, कुछ और करंट अफेयर्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।